आज आपने मतदान डाला, परिवार क्या थोड़ी आगे नीचे रहा? देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से, मेरे क्षेत्र के वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि पोलिंग हर आदमी करे, अपना वोट का प्रयोग करे, क्योंकि ये मतदान गुप्त है। आत्मा की आवाज़ पर वोट डालें, शांतिपूर्वक डालें। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना, किसी प्रकार का भी मतभेद, मनभेद या कोई तू में बिल्कुल शांतिपूर्वक एक उदाहरण दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में किसी से भी कोई कड़ी आवाज़ से भी ना बोले, आराम से अपना शाम तक वोट डालें और खुशी मनाएं। धर्मवीर जी कहाँ खड़े हैं? प्रभाव है, हाँ जी सर, गर्मी का प्रभाव क्या कहेंगे? मतदान प्रतिशत जितना गर्मी बढ़ रही है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अगर आप भी बढ़ रहा है। चुनाव में कहाँ खड़े हैं धर्मवीर जी? मैं तो मान के चलता हूँ, पहले जितनी हमारी लीड थी लगभग उसके आसपास रही। किसानों का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा इस चुनाव में? इस देश का किसान हमारा पेट भरता है, किसान नहीं होगा तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन किसान तो जो है ये कहते हैं कि भाई उनके ऊपर जो बर्बरता की गई थी, किले गाड़ी गई थी, तो क्या वो वोट देंगे बीजेपी को? किसान हमेशा ही दुख में रहा है, आज से नहीं दुनिया का हर किसान। आज समय है कि हम किसान को अपना मानते हुए किसान की मदद करें। सती चौधरी की बजाय कितने टक्कर में है रावदान सिंह? कैंडिडेट कोई महत्व नहीं रखता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है, दूसरी तरफ वो अपने अपने निशान रखते हैं, कोई पार्टी। लोग धर्मवीर जी को वोट देंगे या मोदी जी को? देश के लिए मोदी जी को वोट मिलेगा। काफी किसान संगठन आपके साथ में आगे समर्थन आए हैं। मैं कहता हूँ सारा किसान हमारा पेट भरता है, किसान के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। 10 लोकसभा में कहाँ देखते हो और 11वीं जो विधानसभा का जो उपचुनाव है? मैं मानता हूँ पिछले की तरह हम जो वोट डालने जाता है आदमी, बाहर वो कुछ भी करे, अंदर जाते ही उनको केवल केवल देश या दिखाई देता है। रोहतक में क्या लगता है? रोहतक भी शायद देश का एक पार्ट है। ठीक है।